हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ DIY फ्रॉम ओल्ड फैब्रिक। हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ इस तरह के फैब्रिक होते हैं जिनको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो आज हम उन्हीं से कुछ DIY करेंगे। ये सभी DIYs आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक पॉट ले रही हूँ। यूजुअली इस तरह के पॉट ज़्यादा यूज़ करने के बाद थोड़ा रफ हो जाते हैं, जो कि दिखने में पुराने लगते हैं, तो आज हम इसी का मेकओवर करेंगे। आप इसकी जगह कोई प्लास्टिक कंटेनर भी ले सकते हैं जिसको आप प्लांटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। DIY करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे सूट के बचे हुए फैब्रिक हैं। आप अगर कोई टी शर्ट या कोई भी फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं लंबे स्ट्राइप्स में कट कर लूँगी। स्ट्रिप्स की विड्थ का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंचेस के स्ट्रिप्स को कट किया है, आप इससे ज़्यादा या कम भी कट कर सकते हैं। और ये हमारी दोनों फैब्रिक की स्ट्रिप्स कट हो गई हैं। अब मैं इनको ग्लूमन की हेल्प से पेस्ट करूँगी। अब मैं तीनों फैब्रिक की स्ट्रिप को एक साथ ऊपर से फोल्ड करके ग्लूमन की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इन सभी को एक साथ ब्रेड करूँगी। फैब्रिक को हमें बहुत टाइटली ब्रेड नहीं करना है, थोड़ा इसको लूज़ रखेंगे। मैं इसी तरीके ही ब्रेड की हुई 2 स्ट्रिप्स को यहाँ पर रेडी कर लूँगी। नीचे से एंड होने पर इनको एक साथ कट करके उसके बाद मैं इसको ग्लूगन की हेल्प से एक साथ पेस्ट कर दूँगी, जिससे ये खुलेंगे नहीं। ग्लूगन की हेल्प से अब मैं पॉट के ऊपर ब्रेड की हुई स्ट्रिप को पेस्ट कर रही हूँ। आप इसकी जगह फेवी बॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए। पॉट पर मैंने ब्रेड की हुई स्ट्रिप को पेस्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिप को यूज़ किया था इसको पेस्ट करने के लिए। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं पिंक कलर की पम-पम का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पम-पम का साइज़ या कलर चेंज भी कर सकते हैं। आप पम-पम की जगह टेजल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी साइज़ की टेजल्स को रेडी करके आप उनको भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ। और ये हमारा DIY फैब्रिक पॉट रेडी हो गया है। आप भी अपने घर के पुराने पॉट को इसी तरह से ही फैब्रिक का यूज़ कर उसको रेडी कर सकते हैं। अपने घर की बालकनी या लिविंग रूम कहीं पर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। नेक्स्ट DIY में हम वॉल पीस बनाएंगे, जिसके लिए मैं 7x7 के कार्डबोर्ड के पीसेस ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर टोटल 3 कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं। आप चाहें तो MDF बोर्ड भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपना पुराना कर्टन का फैब्रिक ले रही हूँ, जिसको मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ। इसी से ही मैं अपना DIY करूँगी। फैब्रिक को मैं कार्डबोर्ड के साइज़ से थोड़ा एक्स्ट्रा कट करूँगी फोल्ड करने के लिए। और ये मैंने कार्डबोर्ड के साइज़ के तीनों फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं इसको ग्लूगन की हेल्प से आप कार्डबोर्ड की जगह वॉल पीस बनाने के लिए कैनवास या फिर MDF बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप फैब्रिक से रैप कर उसके ऊपर कोई भी DIY करके वॉल पीस को रेडी कर सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड के तीनों पीसेस के ऊपर फैब्रिक को पेस्ट कर दिया है। वॉल पीस बनाने के लिए मैं 2 कार्डबोर्ड के पीसेस को एज इट इज़ छोड़ूंगी और 1 कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर हम कुछ DIY करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर सैटिन रिबन ले रही हूँ। आप कलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। रिबन के ऊपर की साइड नीडल की हेल्प से मैं पतली पतली प्लेट्स डालूंगी। प्लेट्स डालने के बाद रिबन के नीचे आप अपने रूम के थीम के अकॉर्डिंग रिबन के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। सैटिन रिबन की जगह आप टिश्यू पेपर या नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें जितना बड़ा फ्लावर कार्डबोर्ड के ऊपर रखना है, हम उतनी ही रिबन की लेयर को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और ये हमारा DIY वॉल पीस रेडी हो गया है। फ्लावर पीस को हम सेंटर में रखेंगे। दोनों साइड में प्लेन फैब्रिक वाले कार्डबोर्ड को यूज़ करूँगी। मैं इन वॉल पीसेस को वॉल पर कुछ इस तरह से अरेंज करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर टोटल 3 पीसेस रेडी किए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 6 पीसेस या 9 पीसेस को भी रेडी कर सकते हैं। और ये हमारे DIY वॉल पीसेस रेडी हो गए हैं। आप भी अपने घर पर बचे हुए फैब्रिक से इसी तरह के वॉल पीसेस बनाकर अपने घर की बोरिंग वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पर अपने नेट का दुपट्टा ले रही हूँ, जिसको मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ। आप किसी भी तरह के फैब्रिक को ये DIY करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर में यही रखा था, तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। फैब्रिक के बाद हम वुडन एम्ब्रॉयडरी रिंग लेंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको जितना बड़ा हैंगिंग बनाना है उतनी बड़ी रिंग का यूज़ कर सकते हैं। दुपट्टे को मैंने डबल फोल्ड किया है। नेट की हम डबल लेयर को यूज़ करेंगे हैंगिंग बनाने के लिए। एक रिंग को ऊपर और नीचे रख के मैं इसको टाइटली बंद करूंगी फैब्रिक के ऊपर। टाइटली सिक्योर करने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ फोल्ड करने के लिए। कट करने के बाद बचे हुए फैब्रिक को मैं ग्लूगन की हेल्प से अंदर की साइड पेस्ट करूंगी।
रिंग के बैक साइड में मैंने फैब्रिक को अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैं पिंक कलर की छोटी पॉम्पम का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह छोटे फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं लूँगी कुछ स्मॉल साइज मिरर, इसको भी हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। मैं रिंग के चारों तरफ एक पॉम्पम और दो मिरर का यूज़ कर रही हूँ उसको डेकोरेट करने के लिए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के पैटर्न या फिर किसी भी तरह के डेकोरेटिव मटेरियल से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये पूरी रिंग के ऊपर मैंने पॉम्पम और मिरर दोनों को ही पेस्ट कर लिया है। अब हम इसके नीचे की हैंगिंग बनाने के लिए पिंक कलर की टेजल्स का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर टोटल 3 टेजल्स को बनाकर रेडी किया है। टेजल्स को पेस्ट करने के लिए मैंने येलो रिबन के छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं, जिसको मैं टेजल के ऊपर लगाकर इसको बैक साइड में ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट करूंगी। और ये हमारा DIY वॉल हैंगिंग रेडी हो गया है। आप भी इसी तरह से ही फैब्रिक का यूज़ करके इस तरह के वॉल पीसेस को रेडी कर सकते हैं। इसको आप बालकनी, लिविंग रूम कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट अंडर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।